है वो। ऐसा बहुत बार होता है जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि वी फील लाइक कि ऐसी क्या चीज़ पढ़ लें या ऐसा क्या कर लें जिसके कारण हम गारंटीड हमारा सिलेक्शन उस एग्ज़ाम में हो जाए, गारंटीड हम उस एग्ज़ाम को पास कर लें। या ऐसे कई बार जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमको ये क्लैरिटी नहीं मिलती है कि जो भी हम कर रहे हैं, जिस भी ट्रैक पे जा रहे हैं, जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी सोर्सेज को रेफ़र कर रहे हैं, क्या वो सफिशेंट है, क्या वो सही है, क्या वो नहीं है। तो उसी चीज़ के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। देर इज़ अ रूल, ठीक है, विच इज़ ऑफ कोर्स मेड बाय फॉलोड बाय मेनी टॉपर्स एंड मेड बाय मी। सो इट्स अ रूल ऑफ 10 एंड 100। क्या है ये रूल, एंड अगर आप इसे फॉलो करते हो तो क्या ये आपको गारंटीड सिलेक्शन दिलाएगा CSIR नेट में या नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं बात। बट उसके पहले आप लोग टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे देयर आर आपके जैसे 5,000 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ प्रेजेंट हैं। उस ग्रुप में क्विजेज होते रहते हैं डेली। इसके अलावा सारी जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है फ्री क्लासेस के बारे में, नोट्स के बारे में, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलते रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर से करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो क्या होता है ये रूल ऑफ 10 एंड 100। देखिए, रूल ऑफ 10 का बहुत ही सिंपल सा मतलब है 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो 10 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के, लेकिन करने का तरीका कैसा होना चाहिए, बहुत ही इन डेप्थ मैनर, मतलब डिटेल में। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा आंसर देखा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर देखा, दिस इज़ नॉट द राइट वे। क्या तरीका होता है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसके चार ऑप्शंस को देखा, जो करेक्ट आंसर था उसको आपने देखा, अगर आपको वो टॉपिक आता था वेल एंड गुड, नहीं आता था आपने उसको नोट डाउन किया, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, यू नीड टू रीड अबाउट दैट, यू नीड टू मेक नोट फॉर दैट। ठीक है, एंड देन उसके अलावा जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी आपने उतनी ही डिटेल उसके साथ में डिटेलिंग चीज़ के साथ में पढ़ा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाती हूँ अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे तो करवाती हूँ, तो वही सेम चीज़ आपको फॉलो करना है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो मेरे साथ करो, मेरे साथ कर सकते हो। ठीक, तो ये हुआ रूल ऑफ 10। व्हाट इज़ रूल ऑफ 100? तो अगर मैं रूल ऑफ 100 के बारे में बात करती हूँ, सो देर इज अ लिस्ट ऑफ 100 टॉपिक्स। मैंने आपको लास्ट ईयर भी दिया था, लास्ट ईयर एज इन 2020 के एग्ज़ाम में, और उन 100 टॉपिक्स के में से आराम से, मतलब आराम से आपका पेपर था। ठीक है, 70-75 टॉपिक्स से आराम से क्वेश्चंस आपके आए थे, और सिर्फ ये 100 टॉपिक्स करने से आप 200 तक मार्क्स अचीव कर सकते थे बहुत आराम से, बशर्ते ये तो 100 टॉपिक्स आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तबीयत से पढ़े हों, ढंग से पढ़े। ठीक है, ये 100 टॉपिक्स का जो लिस्ट होता है, दिस इज़ नॉट स्टैटिक। इनमें से कुछ 50 टॉपिक्स का लिस्ट विल बी स्टैटिक, बट बाकी के जो 50 टॉपिक्स होते हैं वो हर बार के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस है कि किस तरीके से जून में, दिसंबर में चीज़ें अभी तक कैसे आई हैं, इसके हिसाब से क्या आ सकती हैं, तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेड रहता है यहाँ पे, उसके हिसाब से ये जो 50 का लिस्ट है ये आपका वेरी करता है। ठीक है, सो एक स्टैटिक लिस्ट है, एक वेरिएबल लिस्ट है, तो स्टैटिक प्लस वेरिएबल, ये दो कंपोनेंट मिला के आपके 100 टॉपिक्स बनाते हैं। ये लिस्ट मैं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी दे दूँगी। ठीक है, इसको आप लोगों को कम्प्लीट पढ़ना है। 50 जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं ये लिस्ट मैं आपको पहले दे दूंगी, और जो 50 वेरी करेंगे टॉपिक्स, इस लिस्ट को आई एम प्रिपेयरिंग, इट विल टेक सम टाइम। उसको कंप्लीट होने के बाद में आई गिव यू दिस लिस्ट। ठीक है, उसको आप, और मैं आपको सफिशियंट टाइम दूंगी, 1-1.5 महीने का आराम से, जिसमें आप तैयारी कर सकें अपने एग्जाम की, तो उसको ज़रूर से पढ़ लीजिए। ये पहले कंप्लीट कर लीजिए और ये अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये अगर आप दो चीज़ें करके जा रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और गारंटी बहुत बड़ा शब्द होता है, गारंटी जब आप किसी चीज़ की देते हो तो वो बच्चे जो कि बोलते हैं कि मैम हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा, हमने ये भी पढ़ा, हमने स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी, हमने पाथफाइंडर बुक भी पढ़ा है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए हैं, हमने सब किए, बट हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा, तो कुछ ना कुछ कमी है आपके पढ़ने के तरीके में, कमी है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं बट आपने वैसे नहीं लगाए जैसे आई एम आस्किंग यू टू डू। ठीक है, तो जो कमी है उसको आपको खुद से दूर करना होगा, उसको आपको खुद से समझना होगा कि कैसे आप ये कमी को दूर करोगे, और अगर आप कर पाते हो तो यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम निकालने में। तो ये दो चीज़ें हैं,
ठीक है, 10+100 इनको आप करके जाइए। अब 10+100 में एक और एडिशन हो सकता है कि जो 10 है, मतलब कि जो 10 आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है, ये आप CSIR के तो करोगे ही करोगे, ठीक है। इसमें आप बाकी मतलब कि आपके DBT जो एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका फिर गेट एग्ज़ाम है ना, फिर उसके साथ में आपका ICMR हो गया, ठीक है, इसके अलावा बाकी के एंट्रेंसेस जितने भी PhD और MSc एंट्रेंस हो गए, MSc एंड PhD एंट्रेंस, तो इन सभी के पेपर्स आप सॉल्व करोगे। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप टॉप 10 के तरफ या टॉप 100 की तरफ आपका जो ये है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इतना सही मुझे आपको बात बतानी थी। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये भी जो 100 टॉपिक्स का या 50 टॉपिक स्टैटिक वाले का जो वीडियो है, ये मैं बहुत जल्दी आपको दे दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको समय पर मिल पाए। और जो बहुत सारी फ्री क्लासेस मैं आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ हो गया, क्वेश्चन सीरीज़, बहुत सारी फ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, तो वो सब मैं आपको अनअकैडमी में पढ़ा रही हूँ। आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं सारे अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करते रहिए।